हाय एवरीवन, आज की क्लास के अंदर हम फर्दर टॉपिक करेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर के। हमारी दो क्लास और लगेगी और डेप्रिसिएशन हमारा जो चैप्टर है वो हमने अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। सर, आज का टॉपिक क्या है डेप्रिसिएशन का? आज हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे, एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक होता है सम ऑफ द यूनिट मैथड या प्रोडक्शन, सम ऑफ द यूनिट मैथड। तो सबसे पहले हम सम ऑफ द यूनिट मेथड करते हैं, ये ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा समय में ये मेथड कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पाएंगे एंड अगली क्लास के अंदर हम चेंज ऑफ मेथड सीखेंगे और ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट? अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट फाउंडेशन का है वो ये देखना चाहता है तो देख सकता है, सम ऑफ द यूनिट मेथड उसके लिए नहीं है, वो आगे बढ़ाकर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देख सकता है, ठीक है जी। और अगली क्लास को नहीं देखनी है चेंज ऑफ मेथड की। चलिए, सम ऑफ द यूनिट मेथड क्या कहता है? सम ऑफ द यूनिट मेथड क्या कहता है दोस्तों? सम ऑफ द यूनिट मेथड कहता है, देखिए अभी तक आप डेप्रिसिएशन ओवर द लाइफ आप चार्ज कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल देते थे, एग्जांपल कह रहा है कि देखिए आपके पास है कॉस्ट ऑफ मशीन पड़ी है, ठीक है जी, वो है मान लो 5.5 लाख रुपए की कॉस्ट है एक मशीन की, ये है बिफोर, अभी जो अभी तक हम कर रहे थे, उसके बाद हम देखेंगे आफ्टर, इस मेथड में हम क्या करेंगे, राइट? बिफोर में 5.5 लाख की मशीन है और स्क्रैप वैल्यू कितनी है जी? स्क्रैप वैल्यू आपके पास 50,000। और आपको पता है जब आप स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हैं, इसका स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है? वो पैसा, वो वैल्यू, वो अमाउंट जो हमें इस मशीन के डेप्रिसिएशन लगने के बाद, जब मशीन खराब हो जाएगी हम इसको बेचेंगे तो हमें 50,000 रुपए मिल जाएगा। तो ऑन एन एवरेज हमारी जेब से पैसा कितना खर्च हुआ? 5.5 लाख खर्च हुआ मशीन खरीदने में और 50,000 हमें बेच के मिली जाएगा कबाड़ के भाव। तो इसका मतलब हमारे नेट जो अमाउंट है वो 5.5 लाख रुपए खर्च हुआ। जो ये 5 लाख रुपए खर्च हुआ है ना नेट अमाउंट, इसी को, इतने अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगाते हैं, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएबल वैल्यू। क्या नाम देते हैं इसको? डेप्रिसिएबल वैल्यू का मतलब हो गया हम इतने अमाउंट का ही मैक्स टू मैक्स डेप्रिसिएशन लगाते हैं। सर कैसे लगाते हो डेप्रिसिएशन? सर कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में नंबर्स ऑफ ईयर ऑफ लाइफ, एस्टिमेट लाइफ ऑफ द एसेट, यही तो करते हो। तो जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो तो आप क्या करते हो? कॉस्ट ऑफ एसेट में स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हो। लेट्स सपोज ये लाइफ इसकी है, मशीन की लाइफ जो है वो 10 साल है, मशीन की लाइफ 10 साल नहीं 5 साल मान लेते। तो आप बताइए डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? सर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अभी तक आप ये करते थे, डेप्रिसिएशन इक्वल टू सर कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में इकोनॉमिक लाइफ। सर कॉस्ट ऑफ एसेट आपके पास 5.5 लाख, 50,000 आपने स्क्रैप वैल्यू हटाई, तो मतलब आप पूरी लाइफ जो है 5 साल है। अब देखो कर क्या रहे हो आप, बेसिकली आप 5.5 लाख में 50,000 हटा रहे हो ना, इसका मतलब आप जो पूरे 5 साल पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, पूरे 5 लाख पे लगा रहे हो, तो मतलब 1 लाख पर ईयर डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो पूरे 5 साल में। तो इसका मतलब जब आप मैक्स टू मैक्स जो डेप्रिसिएशन लगाते हो वो अप टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएबल वैल्यू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मशीन आपने खरीदी उतने अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगता, उसमें से पहले स्क्रैप वैल्यू हटाओ और जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है मैक्सिमम डेप्रिसिएशन उतने अमाउंट तक का लगता है, इसको हम डेप्रिसिएबल वैल्यू कहते हैं। और आप ऐसे ही करते थे। अब कहानी ये है, कहता है यार अब एक बात बताओ, एक प्रॉब्लम आई, ये मेथड बनाने का रीजन क्या हुआ? इसमें एक प्रॉब्लम थी इस मेथड में। सपोज करो कि अब ये मेथड कहता है कि हर साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाओ, अगर एसएलएम है तो, डब्ल्यूडीबी है तो लगभग इतना ही तो रहेगा, 1 लाख कितना कम हो जाएगा यार, जैसा 1 लाख हटाओगे तो 4 लाख का निकाल लो अपने द्वारा, तो लगभग यही रहेगा, 90,000-95,000 इसी के बीच रहेगा। पर मान लीजिए ये वाला मेथड क्या कहता है, अगर किसी भी साल पे मैंने कोई मशीन यूज नहीं करी, वो मशीन ऐसी पड़ी रही, मेरा उस साल प्रोडक्शन नहीं हुआ, उस साल मैंने मशीन का यूज ही नहीं करा, तब भी मुझे 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाना पड़े। अब समझिए, देखिए जिस साल में मशीन यूज कर रहा हूँ उस पर 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा, जेन्युइन चीज है, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। तो भाई अगर मैं इस साल मशीन यूज कर रहा हूँ 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है, अगले साल यूज कर रहा हूँ 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है, हर साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन ये भी ठीक है, बट हर साल यूज भी तो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी साल आपने मशीन का यूज नहीं किया है, किसी साल आपने आधे साल मशीन यूज करी आधे साल नहीं करी, ऐसे भी तो हो सकता है। तो किसी साल जब आप मशीन का यूज नहीं करते उस पर भी 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, कहता है हर साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाओ।
तो ये इस वाले मेथड के अंदर जो अभी तक हम पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन मेथड डब्ल्यूडी मेथड, ये मेथड ये अज्यूम करता है कि आप हर साल मशीन यूज कर रहे हो, हर साल मशीन चला रहे हो, उससे प्रोडक्शन कर रहे हो, इसलिए हर साल हम 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगभग लगा रहे हैं। बट ये मेथड कहता है कि भैया देखो डेप्रिसिएशन ना लाइफ के अनुसार मत लगाओ, डेप्रिसिएशन लगाओ प्रोडक्शन के अनुसार। कॉन्सेप्ट हो गया सम ऑफ द यूनिट मेथड। ये मेथड कहता है जो मशीन आपने खरीदी ना, जो मशीन आपने खरीदी है, जैसे कॉस्ट ऑफ मशीन आपने कितनी खरीदी है, 5.5 लाख की मशीन खरीदी है, ठीक है जी, वो तो यही है 5.5 लाख। फिर आपको पता भाई आपके पास स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है 50,000, आपने हटा दिया भाई, तो आपको पता है कि भाई स्क्रैप वैल्यू पे हटा देते हैं जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उस पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो हम इसको बोल देते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू। क्या बोल देते हैं? डेप्रिशिएबल। अब याला कहता है कि देखिए दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये कहता है कि भैया जो लाइफ है ना मशीन की उसके अनुसार डेप्रिसिएशन चार्ज करो, हर साल लगभग लगभग इतना इतना डेप्रिसिएशन चार्ज करो जिससे 5 साल में खत्म हो जाए। ये कहता है लाइफ के अनुसार मत चार्ज करो, प्रोडक्शन के अनुसार चार्ज करो। ये देखो कि जो मशीन आप खरीद के लाओगे इसका पूरी लाइफ में कितनी यूनिट ये प्रोड्यूस कर पाएगा, तो यूनिट टोटल यूनिट प्रोड्यूस, टोटल यूनिट प्रोड्यूस कितनी यूनिट ये प्रोड्यूस कर पाएगा पूरी लाइफ में। भाई 20,000 यूनिट ये बना सकता है, अगर मैं आज 5 लाख की मशीन लाऊ ना ये पूरी लाइफ में 20,000 यूनिट बना देगा। ये मेन पार्ट था इसका, कहता अगर ये पूरे साल पूरी लाइफ में मतलब 5 लाख की मशीन जब आप खरीद के लाओगे आज, ये पूरी लाइफ में 20,000 यूनिट ही बना पाएगा, इसकी कैपेसिटी इतनी है, 20,000 यूनिट बनाने के बाद ये मशीन खत्म हो जाएगी, जिसको बेचना पड़ेगा स्क्रैप के भाव, ठीक है। अब इसने क्या हुआ, अब इसने कहा भाई देखिए आप ना इस वाले के मेथड में क्या कहा भाई 5 साल मशीन चलेगी, 5 साल में 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाओ। अब ये मेथड कहता है नहीं सर आप ना लाइफ के अनुसार डेप्रिसिएशन मत लगाओ, आप प्रोडक्शन के अनुसार लगाओ। आप ये देखो पहले ईयर में आपने कितना यूनिट प्रोड्यूस करा, फर्स्ट ईयर में जो यूनिट प्रोड्यूस हुआ है आपने पहले साल में कितना यूनिट प्रोड्यूस करा भाई, 4,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस करा पहले साल में। सर कहता है जो पहले साल में आपने यूनिट प्रोड्यूस करा ना उसमें 4,000 यूनिट पे डेप्रिसिएशन लगाओ, जितना यूनिट प्रोड्यूस करा भाई 20,000 यूनिट बना सकता था 4,000 बनानी, अब कितनी और बच गई 16,000, 16 की अगले साल लगाना, पहले 4,000 की डेप्रिसिएशन इस साल लगा लो जो पहले यूनिट पे। तो यूनिट के अनुसार प्रोडक्शन के अनुसार जब डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है उसको हम कहते हैं सम ऑफ द यूनिट मेथड। देखिए जरा ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे सर, डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका होगा निकालने कैसे, हम कहेंगे भैया टोटल मशीन कितने की है 5 लाख की, राइट, ठीक है। ये 5 लाख की मशीन कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, 20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, तो हमने क्या करा 5 लाख को 20,000 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या आया, एक यूनिट पर कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगेगा ये आया भाई, टोटल 5 लाख की मशीन है, ठीक है जी, और इस 5 लाख की मशीन में 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो एक यूनिट पे 25 रुपए का डेप्रिसिएशन लग रहा है। अगर एक यूनिट बनाओगे 25 रुपए का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, ये मतलब हुआ। तो अगर 5 लाख रुपए में 5 लाख की मशीन में टोटल 20,000 यूनिट बना रहे थे तो करंट ईयर में आपने कितनी बनाई, 4,000 यूनिट, करंट ईयर में आपने कितनी बनाई 4,000 यूनिट। तो इस हिसाब से निकालो कि 5 लाख की जो मशीन खरीदी थी, हालांकि 5 लाख की नहीं खरीदी 5.5 पर 50,000 आप स्क्रैप वैल्यू हटा भी तो देते हो, तो ये आएगा डेप्रिशिएबल अमाउंट, कितना अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगा रहा है नेक्स्ट में, वो कितने साल कितने यूनिट प्रोड्यूस करती है टोटल अपनी लाइफ पे 20,000, 5 लाख को 20 से डिवाइड करा तो एक यूनिट पे कितना अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगेगा वो आ जाएगा। और अगर इस साल हमने कितनी बनाई 4,000 यूनिट, तो एक यूनिट पे अगर 25 रुपए का डेप्रिसिएशन तो 4,000 यूनिट पे कितने का 1 लाख का डेप्रिसिएशन, 1 लाख का डेप्रिसिएशन। सर यहाँ भी तो 1 लाख आया, यहाँ पर 1 लाख आया, जान मुझके करवाया है, पर अगले साल जरूरी है कि 4,000 यूनिट बनाए, या फिर अगले साल 6,000 यूनिट प्रोड्यूस कर ले, तो अगले साल निकाल लो सेकेंड ईयर में। इस बार इन्होंने यूनिट कितनी प्रोड्यूस करी, 6,000 यूनिट, इस बार इन्होंने 6,000 यूनिट प्रोड्यूस करी, कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी सर 6,000 यूनिट, वही सेम तरीका। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे भाई, देखिए हमारे पास 5 लाख की मशीन थी टोटल, स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद ये 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करती है पूरे लाइफ में, अगर ये 20,000 पूरी लाइफ में प्रोड्यूस कर रही है तो
तो एक यूनिट पे कितने का डेप्रिसिएशन 25 रुपए का, तो 6000 यूनिट पे कितने का डेप्रिसिएशन 1.5 लाख रुपए का। देखो बढ़ गया ना। तो ये हमने क्या करा, प्रोडक्शन हर याल कितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उसके हिसाब से हमने डेप्रिसिएशन लगाया। अगली बार अगले 30 साल में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, निकालो जरा 10,000 यूनिट पे कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा। आप खुद निकालो 10,000 यूनिट पर कितने का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो 5 लाख की मशीन थी, 20,000 टोटल प्रोडक्शन करती है, तो 10,000 के हिसाब से कितना, 2.5 लाख। तो 10,000 यूनिट पे कितना का डेप्रिसिएशन लगेगा, 2.5 लाख का। तो 1 लाख गिरा, 1.5 लाख गिरा, 2.5 हो गया, और अगली 10,000 यूनिट पे 2.5 लाख हो गया, टोटल 5 लाख। तो इस तरीके से 3 साल में खत्म हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। जब डेप्रिसिएशन प्रोडक्शन के बेसिस पर चार्ज किया जाता है, इसको हम कहते हैं सम ऑफ द यूनिट मेथड। कंसेप्ट समझ में आया, क्लियर हो गया। चलो खत्म, बुक निकालो। बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पहले साल और दूसरे साल में 20,000 यूनिट बनाते हैं। पहले साल में 20,000 यूनिट, दूसरे साल में, मतलब पहले 2 साल में 20-20 बन रही है। तीसरा चौथा पांचवा छठा, 3 से लेकर 6 साल तक, तीसरा चौथा पांचवा छठा, इन 4 सालों में 15,000 यूनिट बनती है हर साल, 15 15 15 15, 6 साल तक, तीसरे स्टार्ट करेंगे 6 तक, और 7 8 9 10, मतलब इन 3 सालों में 7 8 9 10, इन अगले 4 साल में 25,000 पर यूनिट बनती है। तो हमने क्या करा, 1 से लेकर 10 साल तक नहीं निकालना, ठीक है ना। हमें क्या करना, जैसे आपको डाटा गिवन है उस हिसाब से निकाल दो। आप कैसे, हम कहेंगे सबसे पहले तो ये बताओ आपकी टोटल मशीन कितने की बचेगी। 60 लाख की मशीन परचेज करी, लाइफ है 10 साल, रेजिडुअल वैल्यू को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, और टोटल प्रोडक्शन ओवर दी लाइफ है 2 लाख रुपए। हम प्रोडक्शन के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले निकालो डेप्रिशिएबल वैल्यू, हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट आपको देगी कितनी जी, 60 लाख, ठीक है जी। यहाँ से आप माइनस करोगे क्या, रेजिडुअल वैल्यू जो भी जाकर मिल जाएगी 4 लाख, तो क्या बच जाएगा, 56 लाख। इसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिशिएबल वैल्यू कहते हैं। मतलब मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा इस मशीन में, 56 लाख। और ये 56 लाख कितनी यूनिट बनाती है, 2 लाख यूनिट बनाती है अपनी लाइफ में, 2 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करती है पूरी लाइफ में। कितनी यूनिट का, 2 लाख यूनिट का। चलिए अब कैसे करना, क्या है करना, ये है कि वही पहले यहां पर लिखो ईयर, यहां लिखो कैलकुलेशन, और यहां लिखो डेप्रिसिएशन अमाउंट। हमारे को वैसे तो 10 साल दे रखे हैं, पर जैसे हमें दे रखा वैसे डाटा करेंगे, पहले से 2 साल तक लगातार, 3 से 6 साल तक, और 7 से 10 साल तक, खत्म। सर देखिए करना क्या है, ध्यान दीजिए, 56 लाख की हमारी मशीन है, स्क्रैप वैल्यू हटा, डेप्रिसिएशन अमाउंट इतना लगेगा, ये 2 लाख यूनिट बनाती है, तो ये आ जाएगा मेरे पे क्या, एक यूनिट पे कितने अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगेगा, 56 डिवाइड बाय 2 लाख एंड मल्टीप्लाई बाय। देखो पहले 2 साल की, पहले 2 साल का 20,000 यूनिट बनाते हैं, 20,000 यूनिट यहां पर हम बना रहे हैं, एक ही बार कर लो ना, 56 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, 1 लाख, एक यूनिट प्रोडक्शन करने में 28 रुपए का डेप्रिसिएशन लगता है इसके अनुसार। तो 20,000 यूनिट प्रोडक्शन करने में कितने का लगेगा, 5,60,000 का लगेगा। अब सुनो, ये 5,60,000 पहले 2 साल में लगेगा, ये 2 साल का डेप्रिसिएशन है, पहले साल में भी 5 लाख और दूसरे साल में भी 5,60,000 लगेगा। अब तीसरे साल से लेकर 6 साल तक 4 साल का डेप्रिसिएशन इकट्ठा लिखेंगे, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, वही 56 लाख डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 15,000। सर 15 कैसा है, ये देखो ना, 15,000 दे रखा है पर ईयर, मतलब तीसरे साल से लेकर 6 साल तक 15,000 ईयर की यूनिट बना रहे हैं, तो 28 × 15 कर देता हूँ डायरेक्टली, क्या जाएगा भाई, 4,20,000। 4,20,000 का मतलब है तीसरे साल में 4,20,000 लगेगा डेप्रिसिएशन, चौथे में भी, पांचवें भी और छठे में भी, 4 साल का डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है। एंड लास्ट ईयर में कितना लगा है, 25,000, मतलब लास्ट के सालों में 7 से लेकर 10 सालों में 25,000, वही 56
56 लाख अपॉन में 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 25,000, 28 × 25,000 याद आएगा 7 लाख। इसका मतलब ये भी 4 साल का डेप्रिसिएशन है, 7वें साल में, 8वें साल में, 9वें साल में, 10वें साल में मल्टीप्लाई कर लो। देखो आपका 54 लाख आना चाहिए, 5,60,000 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 11,20,000, ठीक है जी। 4,20,000 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 16,80,000, ठीक है। 7 लाख को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से 28 लाख, अब इनको जोड़ लो 54 लाख आएगा, 56 लाख आएगा, सॉरी 54 नहीं 56, 56 है ना। 11.20, 16.80 और 28, 56 लाख रुपए। तो इस तरीके से निकालेंगे, समझ में आ रहा है? ये क्या दे रखा है, 3 से लेकर 6, मतलब 3rd साल, 4th साल, 5वां साल, 6th साल, इन 4 साल में 4,20,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि 4 साल में सेम यूनिट प्रोड्यूस करी है। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सम ऑफ द यूनिट डिजिट मेथड। और ये आंसर मैच कर लीजिए आप, 5,60 हो गया, 4,20 और 7 लाख, ठीक है सर। आ जाओ सर, अब स्टार्ट करेंगे हम अपना नया कॉन्सेप्ट, ये कंप्लीट कर लिया हमने, एक और करते हैं और फिर क्लास खत्म करें। चलिए आ जाइए, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक बार देख लेते हैं क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, इसको भी करते हैं खत्म एंड देन हमारा, तो मैं डर लिख देता हूँ वापसी ना आना पड़े। तो ये जितने भी नोट्स में बना रहा हूँ आपको नीचे चैप्टर खत्म होने के बाद बता दूंगा कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। हालांकि मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा अपने, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का होगा, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल का, वहां पर मिल जाएंगे नोट्स, मैं डाल दूंगा जब ये चैप्टर खत्म होगा, अभी तो कल की क्लास हो रहा है उसके बाद डाल, चलिए हर चैप्टर के बाद डाल दिया करूंगा। हमारा कॉन्सेप्ट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले सबसे पहले आप दो चीज समझिए कि प्रोविजन और रिजर्व में क्या फर्क होता है। अगर आप प्रोविजन और रिजर्व समझ जाते हैं कि प्रोविजन और रिजर्व में फर्क क्या होता है, फिर आप समझेंगे कि प्रोविजन क्या है और डेप्रिसिएशन क्या, क्या मतलब क्या है। देखिए समझिए प्रोविजन और रिजर्व में क्या होता है, जब दोनों ही जो चीज होती है वो होता है पैसे को बचाना और फ्यूचर के लिए, राइट। अब मान लीजिए कि मेरे पास क्या कहते हैं, मैंने अपने प्रॉफिट में से हर साल कुछ पैसा बचा रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपने प्रॉफिट में से हर साल कुछ पैसा बचा रहा हूँ, मैं इसलिए बचा रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में मेरे ऊपर एक लायबिलिटी अराइज हो सकती है, ये तो एक ये पॉइंट हो सकता है। और मैं हर साल कुछ पैसा बचा रहा हूँ, मैं इसलिए बचा रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में कोई लायबिलिटी नहीं है, पर अनसर्टेन एक लायबिलिटी आ सकती है। एक होती है सर्टेन लायबिलिटी, एक होती है अनसर्टेन लायबिलिटी। सर्टेन का मतलब मुझे पता है ये मुझे फ्यूचर में लायबिलिटी आएगी ही आएगी, अनसर्टेन का मतलब है भाई मुझे पता नहीं है, क्या पता कब आ जाए कौन सी लायबिलिटी। मैं इसको दूसरे एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज कि आपके फादर ने आपका पैसा, आपके फादर हर साल अपनी इनकम में से, हर महीने अपनी इनकम में से कुछ पैसा सेव करते हैं। अब वो सेव कर रहे हैं कुछ पैसा, क्यों? क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे, हायर एजुकेशन करोगे, आपका पैसा लगेगा। अब आप हायर एजुकेशन कर रहे हो तो आपका पैसा लग रहा है, कौन दे रहा है भाई, फादर दे रहे हैं या मदर दे रही है, या खुद भी आप भी कर रहे हो बड़े हो गए हो, कुछ भी हो सकता है, है ना। तो मैं एक जनरल क्वेश्चन कह रहा हूँ, तो जब आपके फादर या मदर ने, आपके पेरेंट्स ने कुछ पैसा हर महीने अपनी सैलरी से निकाल कर क्यों सेव करा, क्योंकि उनको पता है फ्यूचर में लायबिलिटी आ जाएगी आपकी एजुकेशन के लिए, इस सर्टेन थे वो। तो जो पैसा हम प्रॉफिट में से निकालते हैं और उस चीज के लिए निकालते हैं जो हमें पता होता है फ्यूचर में ये लायबिलिटी आएगी, तो उस प्रॉफिट को जो निकाला, प्रॉफिट में से जो पैसा निकाला है उसको प्रोविजन कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा? प्रोविजन कहा जाएगा। तो प्रोविजन बेसिकली क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, जो हम पैसा हर साल अपने प्रॉफिट में से निकालते हैं फ्यूचर सर्टेन लायबिलिटी को मीट करने के लिए। सर्टेन, सर्टेन का मतलब पहले से पता होता है ये मेरी लायबिलिटी आएगी आएगी, इसलिए पैसा आज से सेव कर रहा हूँ कि फ्यूचर में जब ये लायबिलिटी आ जाएगी तब मैं उसको वहां पर मीट करवाऊँ, उसको लायबिलिटी को खत्म करवाऊँ, इसलिए मैं आज से कुछ पैसा सेव करता हुआ चलूंगा। दूसरा पॉइंट आता है कि आपने कुछ पैसा सेव करा पर आपको नहीं पता कि फ्यूचर में आपकी लायबिलिटी आएगी नहीं आएगी, बस सेव कर लिया कि कभी भी अनसर्टेनिटी हो जाए तो उसको यूज कर लूंगा। लेट सपोज कि आपने कुछ पैसा सेव करा था, क्या हुआ, फैक्ट्री में आग लग गई और आग लगने की वजह से आपके गुड्स सारे जल गए, अभी अनसर्टेन है, पहले से तो नहीं पता था कि फैक्ट्री में आग लगेगी, अब वो पैसा वहां पर काम आ जाएगा, दैट्स कॉल्ड रिजर्व। रिजर्व
होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रोविजन होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पर दोनों में फर्क यह होता है एक पैसा सेव किया जाता है फॉर फ्यूचर सर्टेन लाइबिलिटी जो हमें पहले से पता है यानी है इसलिए हम सेव कर रहे हैं, और दूसरा पैसा सेव किया जाता है फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटी, क्या पता कुछ ऐसी लाइबिलिटी अराइज हो जाए जो हमें पहले से नहीं पता थी उसके लिए भी पैसा सेव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिजर्व एंड दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। प्रोविजन फॉर सर्टेन लाइबिलिटी होता है, रिजर्व फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटी होता है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोविजन की, और प्रोविजन में भी किसकी बात कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन। ध्यान समझिए, मैंने आज एक मशीन खरीदी भैया 5 लाख रुपए, इसकी लाइफ थी 5 साल। जब 5 साल में ये चला लूंगा तो क्या मुझे नई मशीन खरीदनी पड़ेगी या नहीं खरीदनी पड़ेगी? यस खरीदनी। तो मुझे पहले से बताया यार, जिस दिन मैं आज मैं मशीन खरीद रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मैं लिखवाऊंगा कुछ नहीं, बस ओरली समझा रहा हूँ, आप समझिए ध्यान से। मैं मशीन आज खरीद रहा हूँ, तो आज जो मैं मशीन खरीद रहा हूँ तो आज से मुझे पता है, जिस दिन मैंने मशीन खरीदी उसी दिन पता है मुझे कि आने वाले 5 साल बाद मुझे दोबारा मशीन खरीदनी पड़ेगी और मुझे पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि इन 5 सालों में ये मशीन पूरी डेप्रिशिएट हो जाएगी, मेरे पैसे पैसे मेरी ये मशीन जो 5 लाख की खरीदी इसको यूज करूंगा 5 सालों में, ये खत्म हो जाएगी। तो जब ये 5 साल बीत जाएंगे, जो मैंने आज मशीन खरीदी है, तो आज जो मैंने मशीन खरीदी है, जब इस मशीन को 5 साल चला लूंगा तो मेरी मशीन खत्म हो जाएगी और मुझे एक नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। अगर मैं नई मशीन नहीं खरीदता तो मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, उससे मेरा लॉस हो सकता है। तो मुझे पता है जिस दिन मैं मशीन खरीद रहा हूँ उस दिन ही पता है मुझे कि फ्यूचर में मेरी लायबिलिटी आएगी नई मशीन खरीदने के लिए। तो मैंने क्या करा, हर साल मैंने कुछ पैसा सेव करा फॉर फ्यूचर लायबिलिटी के लिए। फ्यूचर लायबिलिटी क्या थी, कि एक ना एक दिन जो मशीन मैं आज खरीद रहा हूँ वो मशीन यूज करूंगा, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो मशीन खत्म हो जाएगी तो मुझे नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, उस टाइम नई मशीन आएगी 10-1 लाख रुपए की। तो जब 5 साल बाद नई मशीन 10 लाख की आएगी तो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, या 5 लाख की आएगी तो मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। तो वो कहता है कि भैया आज से ही पैसा सेव करो, जिस साल आप मशीन खरीद रहे हो उस साल ही आप पैसा सेव करो फ्यूचर सर्टेन लायबिलिटी के लिए, जो कि मशीन खरीदने की ऊपर आएगी, नई मशीन खरीदने की लायबिलिटी रहेगी। तो जो पैसा मैं आज से सेव करूंगा इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोविजन, ये क्या होगा, प्रोविजन माना जाएगा, क्योंकि वो सर्टेन लायबिलिटी के लिए था। भाषण में आ गई, इसलिए मैंने इसको रिजर्व नहीं कहा, प्रोविजन का, क्योंकि फ्यूचर में मेरी लायबिलिटी आएगी ही आएगी, ये मुझे पहले से पता है, नई मशीन खरीदनी पड़ेगी जब ये खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं आज से ही अपना प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाल रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भैया मैं कितना पार्ट प्रॉफिट में से कितना पैसा निकालूं, मान लो इस साल मुझे 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, क्या सारे इकट्ठा निकाल लूं क्या? तो प्रॉब्लम यहाँ भी आई, प्रॉब्लम तो ये भी आई कि भैया कितना पैसा निकाले हर साल अपने प्रॉफिट में से। तो कहानी क्या थी कि मान लो कि मैंने 5 लाख की मशीन खरीदी, इसकी लाइफ है 5 साल, तो पहले साल में 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर बच जाएगी 4 लाख, फिर 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर बच जाएगी 3 लाख, फिर 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, फिर बचेगी 2 लाख, फिर 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, फिर बचेगी 1 लाख, फिर 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा, फिर बचेगी 0, और यहाँ पर मुझे नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो मुझे पता चल गया था यार 5 सालों में मेरी मशीन खत्म हो जाएगी, 1-1 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा, 5 सालों में मेरी मशीन खत्म हो जाएगी, तो मुझे इन 5 साल बाद मुझे नई मशीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा। तो इसलिए मैं जिस साल मशीन खरीदी थी उसी साल क्या करता हूँ, प्रॉफिट में से पैसा निकाल लेता हूँ, दैट्स कॉल्ड प्रोविजन। क्या बोला? प्रोविजन। अब इसमें प्रोविजन पर मशीन क्यों नहीं बोला गया? कहा नहीं आई कि सर जब वो पैसा सेव कर रहे हो, वो मशीन खरीदने के लिए तो सेव कर रहे हो, पर प्रोविजन फॉर मशीन की जगह प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्यों बोला गया? अब सुनिए, प्रॉब्लम यहाँ थी कि जो पैसा मैं निकालूंगा प्रॉफिट में से वो कितना निकालूं, पहले साल कितना निकालूं, दूसरे साल कितना निकालूं, तीसरे साल कितना निकालूं, चौथे साल कितना निकालूं, मेरे को पैसा 5 साल बाद चाहिए, पर कितना पैसा मुझे निकालना चाहिए हर साल प्रॉफिट में से ये नहीं पता था। इसलिए कॉन्सेप्ट निकाला गया कि भैया देखो जितना आप डेप्रिसिएशन लगाओगे उतना ही निकाल लो, मतलब अगर पहले साल में आपने 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया तो प्रॉफिट में से 1 लाख निकाल दिया, फिर अगले साल आपने फिर से 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया, अगले साल फिर 1 लाख निकाल लिया, मतलब जितना डेप्रिसिएशन आप हर साल लगाओगे उतना ही आप प्रॉफिट में से पैसा निकालोगे, सेव करोगे। और आपने इन 5 सालों में 5 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया तो इन 5 सालों में 5 साल हो गए, तो आगे 5 साल 5 लाख रुपए और नई मशीन खरीद दूंगा, दैट्स द कॉन्सेप्ट। इसलिए नाम पड़ा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब प्रोविजन उतना बनाना है जितना आप डेप्रिसिएशन लगाओगे हर साल, प्रोविजन उतना बनाऊंगा हर साल, प्रोविजन उतना बनाने का मतलब है प्रोविजन उतना पैसा निकालूंगा प्रॉफिट में से जितना मुझे हर साल डेप्रिसिएशन लगाना है। तो प्रोविजन कैसे निकाल रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ, इस साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो 1 लाख का प्रॉफिट में से पैसा निकालूंगा, प्रॉफिट का पार्ट है, प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट, और क्योंकि ये पैसा जो प्रोविजन में निकाल रहा हूँ इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट है, तो प्रोविजन का नेचर भी क्रेडिट होगा, प्रोविजन का नेचर भी क्रेडिट होगा। तो प्रोविजन क्या है, एक तरीके का प्रॉफिट ही तो है जो आप सेव कर रहे हो, तो अगर प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है तो प्रोविजन का नेचर भी क्रेडिट होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि जितना मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा उतना ही मुझे प्रॉफिट निकालना है अपने प्रॉफिट, मतलब प्रोविजन बनाना है अपने प्रॉफिट में से पैसा निकालना है। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब इसकी में क्या होता है, जब आप प्रोविजन मेंटेन करते हो, अब आपके ऊपर ऑप्शन है, आपके ऊपर ऑप्शन है
भाई कंपनी टू कंपनी आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, अकाउंटिंग ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने आपको ऑप्शन दिया है कि भैया देखो अगर आपको लगता है कि यार आपको पैसे से पहले से पैसा सेव करना चाहिए तो आप प्रोविजन मेंटेन कर लो, और अगर आपको लग रहा है नहीं यार 5 लाख रुपए मेरे लिए क्या ही है, जिस दिन मशीन खत्म होगी उस दिन मेरे अकाउंट में तो इतना पैसा पड़ा ही होगा कि 5 लाख की नई मशीन खरीद के ले आऊं, तो फिर प्रोविजन बनाने की नीड ही नहीं। इसलिए दो ऑप्शन दिए गए डेप्रिसिएशन में कि भैया देखो आपको प्रोविजन मेंटेन करना है या नहीं करना। जो नहीं करना मैं आपको सिखा चुका, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। आज मैं केस नंबर 2 आपको बता रहा हूं, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। आइए कैसे करना होता है, व्हेन ये भी केस है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। मेंटेन्ड मतलब मैं भाई मेरे को लगता है कि मेरे पे पैसा नहीं होगा जब मशीन खत्म हो जाएगी तो मैं भैया प्रोविजन बनाकर चल रहा हूँ, मैं अपना सेविंग करके चल रहा हूँ, पहले से ही प्रॉफिट में से पैसा निकाल रहा हूँ। और कितना निकालूंगा, जितना मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा उतना निकालूंगा, क्योंकि जितना आप साल में डेप्रिसिएशन लगाओगे उतना आपका मशीन कम हो जाएगी, तो आप उतने का प्रॉफिट आप निकालते जाओ, तो आप जिस दिन आपकी मशीन खत्म होगी उस दिन आपका प्रॉफिट में पैसा पड़ा होगा, मतलब जितना आप सेविंग होगी तो आप जाके मशीन खरीद लेना। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर हो गया जी कॉन्सेप्ट, प्रोविजन क्या है, रिजर्व्स क्या होते हैं, क्यों बना रहा हूं, लॉजिक समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, पहले तो मशीन खरीदनी होगी और परचेज ऑफ मशीन फॉर परचेज ऑफ मशीन, दूसरी एंट्री होगी फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन लगाऊंगा ना मशीन पे, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, और तीसरी एंट्री होगी ट्रांसफर टू पीएनएल, तीसरी एंट्री होगी ट्रांसफर टू पीएनएल। पहली एंट्री होगी मशीन खरीदने की, तो मशीन मतलब एसेट खरीदने की, एसेट खरीद लेते हैं, एसेट एसेट लिख लेते हैं, एसेट में सब आ जाएगा ना, एसेट खरीदने की एंट्री तो वही सेम होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट एसेट आ गई, या तो मेरा कैश जाएगा या मेरे बैंक से पैसा कम हो जाएगा या मैंने उधार पर खरीदी होगी तो वेंडर आ गए। पहली एंट्री तो आपको क्लियर है, ठीक है जी, एसेट खरीदने। अब चार्जिंग डेप्रिसिएशन, अब जरा ध्यान समझना क्या है इस वाले में और उस वाले में। पहले मैं करता था जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करता था तो जो डेप्रिसिएशन है उससे मेरी एसेट की वैल्यू कम हो जाती थी, क्योंकि मैं एंट्री करता था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू टू एसेट अकाउंट, ये करता था। डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करता था, एसेट में जाकर चार्ज करता था, एसेट अकाउंट बनाने के बाद उसके क्रेडिट साइड में लेता था डेप्रिसिएशन, जिससे मेरी एसेट की वैल्यू कम हो जाती थी। पहले मैं ऐसा करता था क्योंकि प्रोविजन मेंटेन नहीं किया था। अब प्रोविजन का कॉन्सेप्ट कहता है भैया जितना डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे उतना ही पैसा आप प्रोविजन के नाम पे निकालोगे प्रॉफिट में से। तो दोस्तों इस बार जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, इस बार जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो एसेट अकाउंट में ना चार्ज होते हुए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जितना डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा उतना ही प्रॉफिट में से निकाला जाएगा। इसलिए इसको क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन को कहां भेजूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका मतलब कहानी ये हुई कि जितना डेप्रिसिएशन आपने लगाया उतना ही आप प्रॉफिट में से पैसा निकालो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम का। बस अब इधर फर्क क्या हो गया, इधर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, इंपैक्ट ये पड़ा कि अब डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में नहीं जाएगा, और जब डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में नहीं जाएगा तो एसेट अकाउंट वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे था। मतलब भाई पहले क्या होता था, मैं असर खरीदता था डेप्रिसिएशन लगता था तो वैल्यू कम हो जाती थी, फिर अगले साल ट्रांसफर करके फिर डेप्रिसिएशन लगेगा फिर वैल्यू कम हो जाएगी। अब जब डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में जाएगा ही नहीं तो जो मेरी एसेट की वैल्यू है 5 साल बाद भी वही रहेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगने की वजह से कम हुआ ही नहीं। भाई जब मेरे डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में या एसेट अकाउंट में नहीं गया तो मेरी वैल्यू कम नहीं हुई ना, तो एसेट की वैल्यू साल के शुरू में थे 10 साल बाद भी उतनी ही रहने वाली है। इसलिए ये इंपैक्ट पड़ जाता है डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में ना भेजते हुए, अगर हम प्रोविजन में भेज रहे हैं तो प्रोविजन में डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता जाता है और एसेट अकाउंट उतने का उतना ही रहता है। फिर क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन उसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि खर्चा तो हमें पीएनएल में डालना होता है ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट।
ठीक है सर। अब देखो ये चीज आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगी जब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करता हूं, सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करता हूं, तो मेरा जो डेप्रिसिएशन है वो एसेट अकाउंट में ना चार्ज होते हुए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाता है, जिससे प्रोविजन में पैसा इकट्ठा होता है। आइए अब एक करते हैं क्वेश्चन बुक का, ठीक है, कौन सा वाला, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला, ये रहा सर, ये है जी क्वेश्चन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखिए दो केस होते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या कहते हैं मेंटेन करने के, व्हेन एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज मेंटेन एंड व्हेन एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज नॉट मेंटेन, दो केस होते हैं इसके अंदर। अकाउंटिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, व्हेन एसेट डिस्पोजल अकाउंट अगर आप ऐसा डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन कर रहे हो और ऐसा डिस्पोजल अकाउंट अगर मेंटेन नहीं कर रहे, इसमें भी दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए अगर आप ऐसा डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो आपको कौन कौन से बनाएंगे, आपको एक एसेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको तीसरा एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर कहता है कि भैया देखिए अगर आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे तो फिर आपको दो ही अकाउंट बनाने होंगे, एक एसेट अकाउंट बनाना होगा और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होगा, दो ही अकाउंट बनाने होंगे। अब इनका मतलब क्या होता है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट का मतलब होता है जब भी आप कोई मशीन बेच रहे होते हो उसको एसेट डिस्पोजल कहा जाता है। कहता है जब आप कोई मशीन बेचोगे तो उसको, अभी तक जब मैं मशीन बेचता था या कोई एसेट बेचता था तो उसको एसेट अकाउंट में जाकर ही करता था ना उसका ट्रीटमेंट, कि भाई भाई बैंक करके क्रेडिट साइड में डालता था, ठीक है, उसके बाद मैं उसको क्या करता था, अगर प्रॉफिट होता था तो मैं उसको डेबिट साइड में लेता था 2PL करके, अगर लॉस होता तो क्रेडिट साइड में लेता था। तो एसेट को बेचने की जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती थी वो मैं एसेट अकाउंट में मेंटेन करता था, जैसे मैं पहले करता था एसेट अकाउंट में डालता था। एसेट डिस्पोजल अकाउंट अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो ये कहता है कि देखिए अगर आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, जब भी कोई मशीन बेचेगी उसके लिए आपको अलग से अकाउंट मेंटेन करना होगा और जो भी मशीन की सेल की प्रॉफिट या लॉस की एंट्री होगी वो आपको उस अकाउंट में जाकर दिखाना होगा, अलग से एसेट अकाउंट में जाकर नहीं दिखाओ। पर अगर आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन नहीं करते तो वही आपकी सेल की एंट्री, जो सेल होगी उसकी प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री, सेल की एंट्री, वो सब एसेट अकाउंट में दिखाओगे जैसे पहले करते थे, बस यही फर्क है। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट अगर आप मेंटेन करते हो तो इसके लिए आपको जो भी एसेट बेचोगे उसके लिए, एक एसेट बेच रहे हो तो एक एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करना होगा, दो एसेट बेच रहे हो तो दो अकाउंट मेंटेन करने होंगे, हालांकि एक ही आएगा। तो अगर आप एक मशीन बेच रहे हो या एक एसेट बेच रहे हो उसके लिए अलग से अकाउंट मेंटेन करो और वहां जाकर सेल करो उसको। और दूसरा क्या कहता है, अगर आप मेंटेन ही नहीं कर रहे तो जैसे पहले करते थे एसेट अकाउंट में जाकर सेल करते थे वैसे ही करना है। पहले कैसे करते थे दिखा देता हूं एक बार, बाद में फिर आपको दिक्कत आए यार पहले कैसे करते थे यार, वही नहीं आ रहा ध्यान। अकाउंट ही मेंटेन नहीं करेगा मैंने, अच्छा वो क्वेश्चन वो डाला नहीं मैंने, अच्छा ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन समझाया था आपको बुक में ही समझा दिया था। ये देखो ये मेरा मशीन अकाउंट है, ये मशीन अकाउंट है, अब यहाँ पर कोई प्रोविजन या मशीन डिस्पोजल नहीं बन रहा, तो देखो जो भी सेल की एंट्री हुई थी, यहाँ क्वेश्चन समझाया था मैंने आपको, जो भी सेल की एंट्री हुई थी, दो मशीन बेची थी, एक मशीन में लॉस हुआ था सेल की एंट्री लॉस और एक मशीन में प्रॉफिट हुआ था सेल की एंट्री प्रॉफिट। तो क्या हुआ था,
एसेट डिस्पोजल अकाउंट थोड़ा ना बना रहा था मैं अलग से, उसमें क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि जो भी एसेट बिक रहा था वो मशीन मतलब एसेट अकाउंट में जाकर ही ट्रांजेक्शन हो रहा था उसका। वो यही ट्रीटमेंट आपको करना है बैंक सेल डेप्रिशिएशन, जो एसेट बिक रही है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, उसका डेप्रिशिएशन क्या है, उसको कितने का बिका, कितने का प्रॉफिट और लॉस हुआ। अगर मशीन एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो वहां दिखाना, नहीं मेंटेन कर रहे तो जैसे एसेट अकाउंट में दिखाते थे वैसे ही दिखा देना, ठीक है जी। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, ये वाला पॉइंट तो आप समझ जाओगे, मैं आपको बड़ा वाला करा देता हूँ जिसमें एसेट अलग अलग दिखाना होता है। अगर आप एसेट डिस्पोजल मान रहे हो तो ये अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो इस अकाउंट में आ जाएगी, बस इतना फर्क होगा, राइट। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं, बुक का समझते हैं, चलो आ जाओ। तो हम क्या करते हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करेंगे और क्वेश्चन हमें क्लियरली मेंशन करके बोलेगा कि मेंटेन करो, ठीक है जी। एसेट डिस्पोजल, मशीन डिस्पोजल, जो भी एसेट होगी उसका नाम आ जाएगा। एसेंट कंपनी परचेज करा था 1,00,000 की मशीन ऑन 2019 को 1 जनवरी 2020, फिर एक दूसरी मशीन खरीदी 1,50,000 की ऑन 1/7/2020 को। 31 दिसंबर 2021 को मशीन जो खरीदी थी याली मशीन जो खरीदी थी वो बेच दी 50,000 रुपए में। कंपनी कह रही है 15% के स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रही है और आपको तीन चीजें बनानी है, मशीन अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिस्पोजल अकाउंट, मतलब जो मशीन आप बेचोगे उसकी ट्रांजेक्शन सारी मशीनरी डिस्पोजल में दिखाओगे, यही इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है जी, क्योंकि बोल रहा है बनाने को। और आ कह रहा है 31 दिसंबर को साल खत्म होता है और आपको कितने साल का बनाना है जी, 31 दिसंबर 2021 तक ही बनाना है क्या, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं कितने साल तक का बनाओ। चलिए 31 दिसंबर 2021 जब तक डाटा दे रखा तब तक का बनाते। सबसे पहले तीन एंट्री होगी, एक मिनट दीजिए, कौन दोस्तों साइलेंट नहीं रख सकता, कौन आते हैं बसते हैं वो साइलेंट नहीं रह सकता। अगर मैंने साइलेंट रख दिया ना फोन को तो मैं भूल जाता हूँ, ऑफिस इंपॉर्टेंट कॉल होता है वो भी मिस हो जाती है, तो फोन साइलेंट कभी नहीं रखता मैं अपना, ठीक है। हालांकि फोन आता है कॉल करता हूँ उसको साइलेंट कर देता हूँ वहाँ पर देखकर किसका आ रहा है, इंपॉर्टेंट होता है तो ही उठाता हूँ, अदर नहीं उठाता, बट साइलेंट ही रखता, साइलेंट रखना मतलब गड़बड़, ठीक है। चलिए भी भूल जाता हूँ मैं अनसाइलेंट करना उसको। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। सबसे पहले बनाऊंगा मशीन अकाउंट, मुझे ये एक ही में बनाना पड़ेगा सर, अभी आपको समझ में आएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यही लास्ट में कहीं पर बना दूंगा मशीन डिस्पोजल अकाउंट, वो तो बाद की बात है जब मशीन बेचूंगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं एक एक करके, डेट वगैरह डाल देना आप, योगी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ऊपर डेबिट कार्ड लिख देना। सबसे पहले क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये हुआ कि मशीन खरीदी गई थी 1 जनवरी 2019 को, तो यहाँ लिख दूंगा 2019 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट, मशीन खरीदी ना तो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितने की मशीन खरीदी है दोस्त, 1,00,000 की मशीन खरीदी है, 1,00,000 की मशीन खरीदी। अब दोस्तों इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन, ध्यान सुनना, अभी मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे करना है। अनदर मशीन, अभी कॉपी पेन छोड़ दो बस सामने देखिए, अनदर मशीन परचेज करी थी 1,50,000 रुपए की अगले साल, तो अगले साल का छोड़ो, अभी जो हमने 1 जनवरी 2019 को मशीन खरीदी उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 1 जनवरी हमारा साल का शुरू का डेट है, तो 1 जनवरी पे 15% का डेप्रिसिएशन लगेगा 15,000 रुपए। पहले क्या करता था, पहले यहाँ लिखता था बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, तो वो कहता है मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज ना होकर प्रोविजन में चार्ज होगा। तो अब यहाँ की जगह पर मैं यहाँ लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, यहाँ पर रीजन भी देता हूँ, 2019 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और वही 1,00,000 का 15% 15,000। ध्यान सुनिएगा, अब डेप्रिसिएशन लगाने से होता क्या है, डेप्रिसिएशन जितना मैं लगाऊंगा उतना ही मैं प्रॉफिट में से उतना पैसा निकालकर अपने प्रोविजन में डालूंगा। अब प्रोविजन में जो मैंने बोला था आपका नेचर क्रेडिट होता है, क्यों, ये प्रॉफिट है, इसमें से 15,000 रुपए निकाले, क्योंकि डेप्रिसिएशन 15,000 लगा रहा हूं पहले साल में, तो इसमें से 15,000 निकाले
और प्रोविजन में अपना लिया। तो प्रोविजन में डालूंगा कहां डालूंगा, क्रेडिट साइड में। क्यों? क्योंकि प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का नेचर गई तो प्रोविजन का नेचर भी। उसकी स्टार्टिंग कहां से होगी, क्रेडिट साइड से। एसेट का नेचर डेबिट होता है, रियल अकाउंट है, स्टार्टिंग कहां से होती है, डेबिट साइड से, राइट। तो जैसे जैसे मैं मशीन खरीदता जाऊंगा उसका डेप्रिसिएशन यहां पर आता जाएगा, क्योंकि यहां इसलिए आएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन लगाने से मेरा प्रॉफिट में से पैसा निकालकर प्रोविजन में डालूंगा, मतलब इतना इकट्ठा हो जाएगा इतना पैसा प्रोविजन से। चलिए तो अब मुझे बताओ क्या करूं, इधर तो डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं, तो इसलिए मैंने कहा था जब डेप्रिसिएशन दूसरे अकाउंट में लगता है तो मशीन की वैल्यू जो होती है साल के अंत में भी वही रह जाती है। तो 2019 दिसंबर 31 यहां लिख दूंगा बाय बैलेंस सीडी 1,00,000 रुपए। क्लोज करो अकाउंट 2020 जनवरी 1 को आ जाओ, टू बैलेंस बीडी का 1,00,000 रुपए। इस साल मैंने और खरीदी थी, कब खरीदी थी, 1 जुलाई को 2020 को मैंने मशीन खरीदी 1,50,000 की। फिर से लिखो एंट्री 1 जुलाई 1 को टू बैंक अकाउंट, एक मशीन और खरीदी है 1,50,000 रुपए। अब सर सुनना ध्यान से, इस वाली मशीन पे फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा, पहले रुको, पहले इसका क्लोज कर देता हूं। 2019 दिसंबर 31 टू बैलेंस सीडी 15,000, इसका मतलब क्या है, पिछले साल मेरा 15,000 का डेप्रिसिएशन लगा था वो मेरा यहां पर आ गया 15,000। अब पिछले साल का डेप्रिसिएशन जो है वो अगले साल ट्रांसफर करेंगे 2020 जनवरी 1 टू बैलेंस, सॉरी टू नहीं, बाय बैलेंस सीडी 15,000। ये 15,000 क्या है, ये 15,000 है पिछले साल जो डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है, ध्यान सुनिए। अब जो इस साल मशीन है उस पर भी लगेगा, देखो इस पे तो फिर से 15,000 रुपए लगेगा, तो फिर दिसंबर 31 पर आ जाओ और फिर से डेप्रिसिएशन लगाना चालू करो। मशीन कब बेची है भाई, एक मिनट रुको, मशीन कब बेची है, 31 दिसंबर को मशीन बेची है, ठीक है जी। तो ये जो मशीन खरीदी थी, याली मशीन जो खरीदी थी ना 1,00,000 वाली, वो 31 दिसंबर को बेची है, तो 31 दिसंबर तक तो डेप्रिसिएशन लगाओ, 31 दिसंबर को बेचे तो तब तक तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, उसके बाद बिकेगी। तो भाई मैंने मान लो 1 अप्रैल को मशीन खरीदी थी पिछले साल 2019 में, तो 2019 का पूरा डेप्रिसिएशन लगाया 15,000 रुपए, फिर अगले साल आ गए 1 जनवरी 2020, फिर पूरे साल डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 31 दिसंबर तक का, फिर बेचूंगा, तो साल तक एंड तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये हो गया मशीन वन पे, तो मशीन वन पे डेप्रिसिएशन लगेगा वही 15,000 रुपए पूरे साल का। और सर मशीन टू पे कितना लगेगा जरा बताओ, सर इस पे जो मशीन पे लगेगा 1,50,000 का 6 महीने का लगेगा, क्योंकि जुलाई में खरीदी है, जुलाई का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है भाई, इधर लिख देता हूँ मशीन टू 1,50,000 का 15% 6 महीने का निकाल लो सर, क्योंकि ये 1,50,000 का 15% 6/12 क्या जाएगा 11,250। इसमें पूरे आधे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो डेप्रिसिएशन लग गया। अब डेप्रिसिएशन लगने के बाद हम कहेंगे भाई इस मशीन की क्या बच गया, बाय बैलेंस अभी नहीं, भी नहीं, ये तो मशीन बेच दी ना, ये मशीन बेच दी ना एक वाली। अब सुनो यहाँ पर असली कहानी चालू होती है, असली कहानी क्या चालू होती है कि ये जो मशीन मैंने बेची है वो 2 साल बाद बेच दी है, उस 2 साल बाद का जो डेप्रिसिएशन है वो देखो, उसके लिए जो मशीन मैंने बेची उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना होगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, क्योंकि वो कह रहा था मेंटेन करो। अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में होता क्या है, बेसिकली जो मशीन आप बेचते हो उसके सारा डाटा यहां पर आता है, जो मशीन आप बेचोगे उसका सारा डाटा आएगा यहां पर, कितने की मशीन थी, कितने की मशीन पर अभी तक का डेप्रिसिएशन लगाया, वो सब डाटा यहां पर आना चाहिए, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। देखो डाटा कैसे निकाले, जो मशीन मैंने बेची है वो मशीन थी 1,00,000 की, सामने देखेंगे कुछ मत लिखो, जो मशीन मैंने बेची है वो 1,00,000 की थी, ठीक है जी। ये 1,00,000 की मशीन कौन से अकाउंट में, मशीन अकाउंट में। तो जो मशीन आप बेच रहे हो उसका सारा डाटा डिस्पोजल अकाउंट में आना चाहिए। तो पहले कितने की मशीन थी, ओरिजिनल कॉस्ट, वो डाटा आएगा यहां से यहां। तो मतलब ये जो 1,00,000 की मशीन है, जो 1,00,000 रुपए की मशीन बेच रहा हूं ना मैं, उसका जो कॉस्ट है मेरी वो यहां पर लिखी है, तो ये डाटा उठाकर मैं यहां लेकर आऊंगा इस वाले पे। इसका डेप्रिसिएशन 1,00,000 का डेप्रिसिएशन ये लगा देखो, पहले साल का और दूसरा 30,000 लग गया, अभी तक 2 साल में 30,000 का डेप्रिसिएशन लग गया उस मशीन पर जो मैं, ये डेप्रिसिएशन यहां उठा के यहां लेकर आऊंगा।
मतलब बेसिकली डिस्पोजल का मतलब ये होता है कि मशीन बेचने से पहले उसकी कॉस्ट और उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन उठाकर मेरे अकाउंट में डालो। तो मशीनरी डिस्पोजल कहता है कि भाई जो मशीन बेची जा रही है उसका ओरिजिनल कॉस्ट आपके पास है, वो मुझे ट्रांसफर कर दो। तो जब ये कहेगा कि जो मशीन बिक रही है उसको यहाँ ट्रांसफर करो, तो क्या करना होगा, यहाँ पर जो मशीन है उसको कैंसिल करना होगा। देखो ध्यान सुनना, 2020 दिसंबर 31 को बाय मशीनरी डिस्पोजल, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, इस अकाउंट में यहां है ना, अब 1,00,000 डेबिट साइड में होने का मतलब है मशीन का होना। अब मैं इसको यहां से कैंसिल करूंगा और ट्रांसफर यहां करूंगा अपोजिट। तो यहां से मैंने 1,00,000 यहां से हटाया, इसका मतलब अब जो मेरी मशीन है 1,00,000 की वो हट गई, कैंसिल हो गया ना, 1,00,000 गया, इसका मतलब यहां ट्रांसफर करेंगे। तो ये वाला पॉइंट यहां पर अब ट्रांसफर होगा 2020 में दिसंबर 31, और यहां बोलूंगा टू मशीन अकाउंट। क्यों बोलूंगा, मशीन अकाउंट बोलूंगा, सुनना, मशीन अकाउंट इसलिए बोला क्योंकि ये मशीन अकाउंट से आ रहा है। कहानी क्या हुई, यही वाली मशीन बेचनी थी ना मुझे, तो ये वाली मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट है मैं यहाँ लेकर आया। कैसे लेकर आया, ये मशीन, ये ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पर थी, मैंने इससे बोला कि भैया देखो मुझे ट्रांसफर करो क्योंकि मुझे बेचनी है। तो मशीन अकाउंट ने 1,00,000 की मशीन कहाँ ट्रांसफर करी, डिस्पोजल में, और डिस्पोजल वाला क्या कहेगा, मेरे पे मशीन आई है, आने का मतलब डेबिट, और कहाँ से आई है, मशीनरी अकाउंट से आया, तो ये डिस्पोजल में भेजेगा, और डिस्पोजल वाला कहेगा मेरे पे मशीन अकाउंट से पैसा आया। क्या मैं डायरेक्टली बेच दूं, नहीं सर, इस 1,00,000 पे 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा था, वो कहां पर था, वो यहां था, यहां से मगाओ डेप्रिसिएशन तक। अब सुनना ध्यान से, यहां पर 15,000 का डेप्रिसिएशन 1,00,000 था और 15,000 का 1,00,000 था, टोटल 30,000 का डेप्रिसिएशन। तो ये यहां पर फिर से कहेंगे 2020 दिसंबर 31 क्या लिख देंगे, बाय टू बैलेंस टू मशीन डिस्पोजल, फिर से मशीन डिस्पोजल आएगा। क्यों आएगा मशीन डिस्पोजल, क्योंकि जो 1,00,000 का डेप्रिसिएशन है 30,000 वो यहां पर है, तो इसको यहां से हटाकर कहां ट्रांसफर करूंगा, इधर करूंगा, टू मशीनरी डिस्पोजल, 30,000 डालूंगा पूरा, 2 साल का इकट्ठा डेप्रिसिएशन डाल दिया, और उसको यहां भेजूंगा। क्या बोलूंगा यहां पर, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्या बोलूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्यों बोला मैंने, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ने बोला कि भैया हम जो इस मशीन जो बिक रही है उसका डेप्रिसिएशन हमारे पास है, हम ट्रांसफर कर रहे हैं आपके पास, तो उसने कहा हम भेज रहे हैं मशीन डिस्पोजल में, मशीन डिस्पोजल करेगा, हमारे पास आया प्रोविजन। तो क्रॉस पोस्टिंग होती है, आपको तो पता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो अगर यहां क्यों डाला, यहां से डाला क्योंकि यहां पर क्रेडिट हो रखा था, इसको खत्म करने के लिए डेबिट करना होगा, कहां भेज रहे, डिस्पोजल में, तो ये डेबिट में है तो यहां पर क्रेडिट में आएगा, कहां से आया, प्रोविजन से, 2020 दिसंबर। अब सुनना ध्यान से, अब मेरे पास सारा ओरिजिनल डाटा आ गया कि 1,00,000 की मशीन थी, 30,000 डेप्रिसिएशन लग गया, मशीन की WDV रह गई 70,000, अब देखो कितने की बेची आपने सर, अब आपने बेची 50,000 की, अब आपको यहां से पता चल गया, हो गया लॉस, क्या हो गया, लॉस। 1,00,000 की मशीन थी, 30,000 डेप्रिसिएशन लगाया और बिकी कितने की, 50,000 की, तो बाय बैंक अकाउंट करके बैंक में लिखो सेल, 50,000 की बिकी, तो देखो ना डिफरेंस अमाउंट से क्या आ गया, लॉस आ गया, भाई मशीन कितने की थी, 1,00,000 की, ठीक है। हम कहेंगे 1,00,000 की मशीन में तो देखो 30,000 का डेप्रिसिएशन लगा, बची 70,000 की बेच दी, तो कितने का लॉस हो गया, 20,000 रुपए का। ऐसे करना है सर, डायरेक्ट सेल की एंट्री पास नहीं करनी है आपको डिस्पोजल में, पहले जो मशीन बेचे रहे हैं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का डेप्रिसिएशन आप यहां लेकर आओगे 31 दिसंबर और 31 दिसंबर, कहानी ये होती है डिस्पोजल। और अगर मैं डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन नहीं करता तो क्या करता, मैं ये करता, ये दोनों एंट्री यहां पर दिखाता, बस फर्क ये होता कि आप देखिए 1,00,000 की मशीन तो यहाँ पर है पर इसका डेप्रिसिएशन तो नहीं है ना यहाँ पर, तो बस ये करता कि अगर डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता तो ये दो एंट्री भी यहाँ आती एसेट अकाउंट में, पर इस पे इसका डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं है, वो यहाँ है, तो क्या करते, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से कहते कि भैया डिस्पोजल तो बने ही नहीं रहे, तो ये जो डेप्रिसिएशन है हमारी मशीन का वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो अगर मशीन डिस्पोजल अकाउंट नहीं मेंटेन होता तो यहाँ पर जो 30,000 का डेप्रिसिएशन है जो इस 1,00,000 पे लग रहा है उसको मशीन पे भेजते मशीन अकाउंट पे, और फिर कहते 1,00,000 पे 30,000 का डेप्रिसिएशन, फाइव बैंक सेल 50,000 और लॉस यहाँ पर ऐसे दिखाते हैं अगर डिस्पोजल मेंटेन नहीं करना होता, बस ये होता है फर्क। तो दोनों में फर्क क्या है, अगर मैं डिस्पोजल मेंटेन करूंगा तो ओरिजिनल कॉस्ट और डेप्रिसिएशन यहाँ पर आएंगे, और अगर डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा तो ओरिजिनल कॉस्ट तो यही रहेगी, सेल भी मशीन अकाउंट में ही होगा, पर जो 1,00,000 का डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो इसको यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, तो तब एंट्री होगी टू मशीनरी अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000, फिर लिखेंगे टू बैंक सेल 50,000 और टू लॉस 20,000 रुपए का। तो डिस्पोजल मेंटेन नहीं होगा तो ट्रीटमेंट यही होगी, फिर डिस्पोजल में ट्रांसफर नहीं करते, पर डिस्पोजल अगर मेंटेन होता है तो जो मशीन बिकेगी उसका यहां से ओरिजिनल कॉस्ट
यहां पर ट्रांसफर होगा और यहां से जो डेप्रिसिएशन है वो यहां ट्रांसफर होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए दिस इज द, अब आप कर दो क्लोज, खत्म हो गया जी, क्लोज कर देंगे। तो दिसंबर 31 में कितना बच गया मेरे पे, एक मशीन बच गई बाय बैलेंस सीडी 150,000, खत्म हो गया। तो अब मेरे बच गई, यहां पर थी 2.5 लाख की मशीन और यहां पर भी 2.5 लाख। अब मेरे पे मैं क्या कहूंगा, मेरे पे बची कितने की, ये कहूंगा 2 बैलेंस सीडी, मेरे पे 1.5 लाख की मशीन बची क्योंकि 1 लाख वाली मशीन मैंने बेच दी। यहां क्या करूंगा, यहां लिख दूंगा 2 बैलेंस सीडी 15,000 का डेप्रिसिएशन, 11,250 का, क्योंकि जो मशीन का डेप्रिसिएशन अभी मेरा इकट्ठा हो गया था ना ये 15-15, 30,000, वो तो मैंने बेच दी तो डेप्रिसिएशन भी चला गया उसके साथ, खत्म कैंसिल हो गया। अब मेरे पे जो मशीन बच गई है 1,50,000, उसका डेप्रिसिएशन मेरे को मिल गया। टोटल कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, क्लोज कर रहा हूँ 11,250। कहानी समझेगा, इसका थोड़ा इंपॉर्टेंस समझेगा। रिमेनिंग मशीन कितनी रह गई, 1.5 लाख, जो कहां पर दिख रहा है, मशीन अकाउंट में दिख रहा है। और इस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन कितना रह गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना रह गया, इस मशीन पे लगने वाला डेप्रिसिएशन कितना था, 11,250 था, जो कि कहां पर दिख रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये फर्क है। तो जो रिमेनिंग मशीन बच गई और जो उस पर डेप्रिसिएशन है वो अलग अलग अकाउंट में दिखेगी। कहेंगे 1.5 लाख की मशीन बच गई रिमेनिंग येरी, और उस पे लगने वाला डेप्रिसिएशन अभी तक कितना बच गया, 11,250। अब देरी बात हो, एक लास्ट और समझ देना सर, जो मशीन 1 लाख, खत्म हो गया ये पूरा प्रोसेस, जो मशीन 1 लाख की थी उसका डेप्रिसिएशन कहां पर इकट्ठा हो रहा था, यहां पर इकट्ठा हो रहा था। पहले 15,000 हुआ, फिर 15,000 हुआ। सोचो अगर मैं इसको 2 साल बाद और बेचता तो 2 साल का 15,000 और इकट्ठा हो जाता यहां पर। इसका मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होता है, मशीन की कॉस्ट का जो जितना भी डेप्रिसिएशन है वो एक साथ इकट्ठा होता चले जाता है। पहले साल का, फिर दूसरे साल का होगा, फिर तीसरे साल का हो जाएगा, फिर चौथे साल का हो जाएगा अगर 4 साल बाद बेचता तो। तो बेसिकली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मशीन के डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो जाता है, इसलिए कभी कभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर मशीन का जो डेप्रिसिएशन है वो इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो हम एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, इक्वल टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन में कहा है आपसे कि यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन मशीन अकाउंट और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल, तो आपसे वही कह रहा है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, क्योंकि कहानी क्या है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में इन जो मशीन मैंने खरीदी होती है उसका सारा डेप्रिसिएशन यहाँ इकट्ठा होता था। इकट्ठा होने का मतलब एक्युमुलेटेड, मतलब बेसिकली एक्युमुलेट करते हैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन को। This is the concept, और यहाँ पर मेरा provision for depreciation account खत्म हो गया है। देखिए जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा, पॉइंट यही होता है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस से होगी दोस्तों। कॉन्सेप्ट आपका आ गया, कॉन्सेप्ट अगर क्लियरिटी होगी तो 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो आ जाएगा आपको। नहीं आपके पास क्वेश्चन है तो कहीं और से बुक की उठा लो, गूगल पे देख लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्वेश्चन देख लो, वहां से प्रैक्टिस कर लो, पर 1-2 बार कर लो उसकी प्रैक्टिस तो आपको ज्यादा ईजी रहेगा। चलिए खत्म करते हैं क्लास को और नेक्स्ट क्लास के अंदर, अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा कोर्स कंप्लीट, मतलब ये चैप्टर खत्म कर देंगे, इस क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा और क्या रहेगा हमारा, चेंज ऑफ मेथड रहेगा। ठीक है जी, तो तरीका सही है नहीं आ रहा, अगले चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो फिर से एक तरीका लिखवाऊंगा पूरा का पूरा और एक करके खत्म करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।